भारत सरकार दे सूखम लघु अते मध्यम उद्योग मंत्रालय दी पहल ते केंद्रीय योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अते अनुसूचित जनजाति हब कनक्लेव दा आयोजन अज मोगा दे पिंड कल कलां विच करवाया गया। MSME मंत्रालय दे संयुक्त सकत्तर मरसी इपाओ इस विच मुख मेहमान वजो शामिल होए। इस नूं संबोधन करदिआं मरसी इपाओ ने कहा कि SC ST भाईचारे विच उद्यमता नूं उत्साहित करन लई इह मैगा कनक्लेव करवाया गया। उन्होंने कहा कि मोगा जिले में 38% आबादी SC वर्ग नाल संबंधित होने करके उद्यमता लई उचेचे यतन किए जा रहे हैं। मैं पंजाबी जुत्ती बनाने का काम करता जी। प्रधानमंत्री इंपलायमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब कि PMEGP तो लोन लिया से 5 लाख रुपए का, तो वो करके मैं हूँ वधिया अपना काम कर रहा। मेरा ये फुलकारी का काम विरासती काम से, और किसी टाइम कोई मुसीबत आई तो मैंने गत्ता फैक्ट्री से काम किया, जाने की उतनी इतनी इनकम नहीं सी और ये हाथ का गुण सी मेरे को, मैं इस गुण को आगे कामयाब किया। मैंने लोन लिता फिर स्टार्टिंग किसी हैंडीक्राफ्ट का, सानू स्टार्टिंग से लसेंस बनता एक साडा भी जोड़ा कारीगर है उसका, उतों मैंने लोन लिता। लोन लैके मैंने कपड़ा प्लेन कपड़ा लैके हौली हौली स्टार्ट किया। आज देखिए मोगा में ये जो नेशनल STAC हब के तहत हम लोग एक कन्वेंशन का आयोजन किए हैं, इसका मकसद ये है जो भारत सरकार का जो आकांक्षी योजना है नेशनल STAC हब स्कीम, जिसमें कि जो परचेज प्रेफरेंस है 4% पब्लिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए STAC उद्यमियों से उसकी। इस मौके नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के चेयरमैन अते मैनेजिंग डायरेक्टर सुभ्रांशु शेखर आचार्य, ग्रामीण आजीविका मिशन के वधीक CEO SP आंगरा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के जोनल मैनेजर गुरपाल सिंह, सहायक कमिश्नर HB गुप्ता अते जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर सुखविंदर सिंह लेखी तो इलावा कई उद्यमी शामिल सन।